टमाटर का प्रयोग सूप, जूस, सलाद, सॉस, चटनी, करी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। टमाटर में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो आइए सीखते हैं टमाटर का सॉस बनाना। यहाँ पर हम 2 किलोग्राम सॉस बनाएंगे। इसके लिए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सिरका या एसिटिक एसिड, नमक, चीनी, पिसी मिर्च और गरम मसाला जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले लाल ताजा गूदे वाले टमाटर धोकर साफ कर लें। टमाटर को 4 या 6 टुकड़ों में सुविधा अनुसार काट लें। प्याज, लहसुन और अदरक को छीलकर एवं धोकर काट लें और पीसकर इसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को कटे हुए टमाटर में मिला दें और उबलने के लिए किसी भगोने या कुकर में रख दें। जब यह मिश्रण गल जाए तो उसे किसी फैले हुए बर्तन में पलटकर ठंडा कर लें। ठंडा होने पर इस मिश्रण को पीस लें। इस सामग्री को छलनी से छान लें ताकि बीज और छिलके अलग हो जाए और एक मुलायम पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को किसी मोटी या भारी पैंदी के भगोने में उबलने के लिए रख दें। जब मिश्रण उबलने लगे तब इसमें चीनी, पिसी मिर्च और गरम मसाला मिला दें और इस मिश्रण को गाढ़ा होने तक उबलने दें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तब इसमें 1 कप सिरका या 4 चम्मच एसिटिक एसिड मिला लें। इसके बाद भगोने को आंच से उतारकर इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक मिला दें और साफ व सूखी कांच की बोतल में भरकर ठंडी जगह पर रख दें। इस प्रकार आप घर बैठे कम पैसों में टमाटर सॉस बनाकर घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके व्यवसाय से आय भी अर्जित कर सकते हैं।